सो गाइस यार, अभी अपन दिल्ली के स्टेशन के बाहर हैं और अभी अपने को खोजना है रूम पहले, तो क्योंकि सबसे पहले वही, अभी शाम भी हो गई है, 6 बज रहे हैं, तो पहले सबसे पहले रूम का जुगाड़ करना। सो अभी पता करते इधर उधर, तो चलो चलते हैं अभी पता करें। सो ये अंकल तो अपना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, इनसे एक बार पूछ के लिया तो बोलते हैं चलो चलो मैं दिला दे रहा हूँ तुमको रूम, ऐसा ऐसा, और इतना महंगा महंगा बता रहे हैं। अंकल बोला अंकल रुक जाओ थोड़ी देर, तो देखते हैं अभी आगे चल के। एक पहले पूरी टीम से बात कर लेते हैं किसको कहाँ जम रहा है। सो चलो चलते बात करते हैं। तो अभी अपन खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, भैया लोग बात करें थोड़ा, तो तब तक अपन साइड में खड़े देखते हैं आगे क्या होता है, अपने को रूम मिलता है कि नहीं। और स्टेडियम भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ अपना एंट्री होगा, मैच के पहले एंट्री कराना होता है। तो सो चलो चलते अभी। तो हम लोग को अभी एक रूम मिला है, हम लोग आधे आधे ग्रुप में बढ़ गए, कुछ लोग स्टेडियम चल गए हैं वहाँ एंट्री कराना था, और मैं और मेरा दोस्त निक्कू अभी हम लोग जा रहे हैं पता करने एक रूम, मतलब होटल में जा रहे हैं, ये अंकल हम लोग को बताएं। तो पहले जाके पता करते हैं कि वहाँ का रेंट वेंट कैसा है, कितने लोग रह सकते हैं, कितना रूम है, कितने बेड्स हैं। तो अभी हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते आगे देखते हैं क्या होता है और पता करते हैं कैसा क्या है। ट्रैफिक भाई ट्रैफिक। बैग उतार के दिया, अबे मेरे चप्पल फंस गए, बैग यहीं छोड़ दे चल। तो हम लोग पहुंच गए होटल, ये स्टेशन के बहुत पास ही था, अपने को पैदल ही आ जाना था, मगर चलो चलते अभी अंदर जाके बात करते हैं कैसा क्या है और देखते क्या होता है, मिलता है कि नहीं रूम अपने को। रूल तो मेरा नहीं, अब पागल पागल घर चलो। हजार बोलता हूँ स्टेडियम वापस, रूम वापस, स्टेशन वापस, जल्दी आ। तो इतना महंगा रूम बताया उन लोग, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस, अब क्या कर सकते हैं, इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे स्टेशन, फिर वहाँ से देखते आगे, कांटेक्ट करते भी लोग से कि क्या बोलते हैं, कैसे कहाँ कहाँ जाना है, अपने को कुछ पता नहीं है, तो चल चलते। तो हम लोग को लगा कि पास में ही है स्टेशन, तो पैदल पैदल चल जाएंगे, मगर अभी हम लोग चलते चलते हालत ख़राब हो गया, तो बैठे हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उठ के चल जाएंगे, देखते पहुँच पाते हैं। आखिर सब घर के स्टेशन में आके बैठी गए, जल्दी से मोदी भी आ जाए, थोड़ा बिरयानी खाने मिल जाए, फिर तो फोन कर आखिरकार हम लोग को रूम मिल गया, वो भी गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे भी रेंट पे ही है मतलब। तो अभी हम लोग जाके वहाँ गुरुद्वारे में ही रुकेंगे और बाकी लोग भी है सब वहीं पे आके रुकेंगे, चलो चलते हैं। तो अपन ले दे के यहाँ तक पहुँच ही गए, गुरुद्वारे आ गए और आते हम लोग को भूख लग रहा है। सो पहले पता कर लेते हैं यहाँ खाने का कैसा क्या है, पता चला खाना भी यहाँ महंगा, खाना मुश्किल हो जाए, तो फिर अपने गुरुद्वारे में ऐसे खाना है, अपन गुरुद्वारे में ही खाएंगे, लंगर डेली चलता है और गुरुद्वारा भी बहुत बड़ा है, अभी आगे आगे देखते जाओ। तो अभी ये गया खाना पता करने, देखते क्या होता है। रुक गए इन लोग के साथ, साथ ही में आ रही, साथ हो सकता है कि यूज करूँ। तो हम लोग ने वहाँ कुछ खाया भी नहीं और ऊपर से हम लोग को बैठे बैठे यहाँ 1 घंटा हो गया, अभी तक हम लोग के साथ वाली टीम आई नहीं, तो हम लोग बैठे इंतजार में, देखते कब तक आते हैं वो लोग, और बहुत तेज भूख भी लगा है, हम लोग अंदर जा भी नहीं सकते, पता नहीं वो लोग कहाँ से, एक तो गुरुद्वारा इतना बड़ा, तीन तीन गेट है इसके, पता नहीं वो लोग कौन से गेट से आएंगे। सो तो वेट करना पड़ेगा अपने को, तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट जब वो लोग आएंगे। सो वो लोग आ चुके हैं और पता नहीं कौन से गेट में, अभी हम लोग को जाके खोजना पड़ेगा, तीन तीन गेट इधर, तो चलो चलते हैं पहले यहाँ
यहाँ पे पानी दिख रहा है, पानी पी लेते हैं। चले गुरुद्वारे का मेरा पता उतर कर क्या हुआ तकड़ा 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 रुकना रुकना धीरे धीरे चल तो इतना देर चलने के बाद भी अभी तक अभी हम आधे ही गुरुद्वारे के आधे तक ही पहुंचे हैं, और बस यहां से जितना है उतना ही आगे और जाना है, फिर उसके बाद सेकंड गेट आएगा। तो अपन गुरुद्वारे के दूसरे गेट में आ गए हैं और पता नहीं कहाँ है, पहले खोजते हैं, मिल तो जाना चाहिए यहीं पे बोले इसी गेट पे, तो देखते हैं। तो अभी अपन गुरुद्वारे के बेसमेंट में हैं और रूम का पता चल गया अपने को, ऊपर जाना है तो अभी अपन जाएंगे गुरुद्वारे के अंदर। हाँ ना अभी तो दर्शन तो करेंगे, अभी तो पहले सामान एक जगह रखा जाए। सो फाइनली अपने को रूम मिल गया है और इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाएंगे, बैग फेंकेंगे, हाथ मुंह धोएंगे और तुरंत लंगर खाने जाएंगे। तो चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, और यहाँ पे लिफ्ट भी दिया हुआ है तीन फ्लोर के लिए, लिफ्ट भी अच्छी है। और चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ओह शिट शिट शिट, लिफ्ट बंद हो गई। सो अभी अपन वेट करते हैं, कोई बात नहीं, तब तक टाइम पास, फिर उसके बाद लिफ्ट नीचे जाके ऊपर आएगी तब अपन जाएंगे। बॉटल लेके आ अपन जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं। रोक के रखो, रोक के रखो, लंगर खाएंगे, दाल चावल पूरी सब्जी। ये गेट में खड़े थे क्या सुबह? अपन वहाँ आ रहे, तुम लोग कहाँ खड़े थे? इतना व्हाइट है, वहाँ पे अंदर वीडियो वीडियो बनाना मना था इसलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं बनाया। और अभी हम लोग खा के उठ रहे, अभी जाएंगे, अभी हाथ धोएंगे, फिर पानी पियेंगे, उसके बाद गुरुद्वारा भी थोड़े से घूमेंगे। ऊपर से मैं हाफ टी शर्ट पहना तो मेरे को शायद ही घूमने दे, मतलब अंदर जाने नहीं देंगे। चलो चलते देखते आगे, वैसे मना तो कर देंगे। शेयर मिले ना, हाँ।
उस साइड, उस साइड वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इधर है गेट, वे इधर है, इधर चला अंदर। बंगाल ऐसी चल कल हाफ कर रहा हूँ तो आखिरकार मेरे को अंदर जाने नहीं मिला, बस यहीं बाहर से ही माथा टेक के आ गया। तो आगे एक सरोवर भी है, तो अभी अपन सरोवर की तरफ जाएंगे, और वहाँ लाइट बहुत कम है, सो रात में मेरे कैमरे में तो ज्यादा अच्छे से शायद ही दिखेगा। तभी चलो चलते हैं और देखते हैं सरोवर कैसा है। तो इधर मस्त चहल पहल भी हो रहा है और भजन कीर्तन भी चल रहा है, इधर साइड में बहुत सारे लोग हैं, मगर यहाँ थोड़ी लाइट कम है तो अच्छे से उतना क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, मगर चलो देखते हैं। और ज़्यादा यहाँ वीडियो लेना भी मना है, गुरुद्वारे में चोरी शिकारी भी बहुत होती रहती है, तो शायद ही मैं ज़्यादा कवर कर पाऊँगा, मगर देखते हैं जितना हो सकेगा मैं उतना कवर करूँगा। और चलो चलते हैं आगे। अबे तेरी जात का, वेलकम बैक ऑन स्वीट रूम। स्वीट रूम तो नहीं बोल सकते, मगर अभी फिलहाल इस सिचुएशन के लिए तो यही सही है। और रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जल्दी से सोने, और जल्दी कल सुबह उठ के हम लोग को वेट देने जाना है स्टेडियम। तो कीप वॉचिंग मी, और अगला पार्ट जल्दी आने वाला है।